या बातमीचे प्रायोजक आहेत सोलापूर का सोलरवाला, सोलर एनर्जी फॉर युअर होम अँड बिझनेस, नियर केके रेडीमेड, सात रस्ता, सोलापूर। क्या लगता है शहर दक्षिण विधानसभा में कौन बनने वाला है आमदार? बाबा मिस्त्री साहब। क्यों बाबा मिस्त्री, काम अच्छा है उनका? आमदार नहीं रहते हुए भी अब तक बहुत लड़े लिया हमारे वास्ते, प्रॉपर्टी के वास्ते बहुत आवाज उठाई लिया। इस बार अभी शहर दक्षिण विधानसभा में किसकी लहर चल रही है? बाबा मिस्त्री की चल रही है। दक्षिण विधानसभा में लहर ज्यादा तो बाबा मिस्त्री की चल रही है, नई जिंदगी के साथ। 2019 के विधानसभा चुनाव में बाबा मिस्त्री के पास कांग्रेस का हाथ था, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट था, तो अच्छा मतदान, अच्छी वोटिंग उनको मिली थी। इस बार हाथ भी नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास हाथ नहीं है। अब तक काय वाटतं शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र मध्ये कोण होणार आमदार? बाबा क्या है शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में किसकी लहर है? ये हमारे इधर के बाबा मिस्त्री का। बाबा मिस्त्री? क्यों बाबा मिस्त्री का क्या? ये हमारा बहुत आज रात को आता ना बाबा मिस्त्री। फिर अभी आपके उम्मीदवार रुके बाबा मिस्त्री इलेक्शन में? उनके स्तरीय है ना अभी तक, अब इलेक्शन देते बाद वो कम काम करते सर। इंशाल्लाह साथ लोग बाबा मिस्त्री चुनकर आएंगे इधर से। नगर सेवक बाबा मिस्त्री का ये जो है गढ़ माना जाता है और यहाँ के वो कई सालों से नगर सेवक हैं, कारपोरेटर हैं, कई कामों उन्होंने यहाँ पर की है, जनता ने हमें ऑन कैमरा बताया है। प्रहार जनशक्ति पक्ष के तरफ से उन्हें उम्मीदवारी मिली है, टिकट मिला है, बैट उनका चिन्ह है, इस तरह से लोगों से भी हमने पूछा और चुनाव आयोग की ओर से भी जो है बैट उनको चिन्ह मिला है प्रहार जनशक्ति पक्ष को। और 20 तारीख को मतदान हो रहा है, तभी ही पता चलेगा कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र हो या शहर दक्षिण हो या फिर शहर उत्तर हो या पूरा महाराष्ट्र हो, यहाँ पर किसकी सरकारें बनने वाली है। बात करें तो शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की, अमर पाटिल, धर्मराज कालाजी और सुभाष बापू देशमुख जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, 10 साल से विधायक हैं, और बहुत सारे उम्मीदवार जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में है। जनता किसकी लॉटरी निकालेगी ये तो 23 तारीख का समय ही बचाएगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, मेरे साथ कैमरामैन जावेद भाई। चैतन भाई कहाँ रहते? नई जिंदगी। कितने सालों से रहते नई जिंदगी? 15 साल से। क्या लगता है शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में किसकी लहर है? दक्षिण विधानसभा में लहर ज्यादा तो बाबा मिस्त्री की शहर रही, नई जिंदगी के साथ से। आउट साइड तो अपने को मालूम है किसकी लहर चल रही है। फिलहाल तो यहाँ नई जिंदगी के साथ से तो पूरे नई जिंदगी में बच्चा ना बच्चा लास्ट वोटर तक बाबा मिस्त्री वोटर। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब बाबा मिस्त्री रुके थे उनके साथ हाथ था, पहले भाषण में भी उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी हाथ नहीं है, पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो उतना रिस्पांस बाबा को इस बार मिलने वाला है क्या? रिस्पांस तो पार्टी से कुछ फायदा नहीं पड़ता। अच्छा। इंसान को देखकर लोग वोट करते हैं आज के दौर में, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा। ऐसा क्या पार्टी चिन्ह नहीं कह रहा था, लेकिन काम तो पार्टी भी क्या करती, एक अच्छा आदमी है उसको देखकर टिकट देती। अच्छा। कि वो जीत कर आएगा और फिर टिकट नहीं दिया ना बाबा को, आम जनता का टिकट नहीं मिला ना कांग्रेस की तरफ। अब वो कुछ तो अंदर के प्रॉब्लम होंगे, इसकी वजह से जो बाबा मिस्त्री को टिकट नहीं मिला। अच्छा। जो आंतरिक जो उतना वर्चस्व उतना प्रतिसाद मिलेगा क्या बैट चिन्ह को, प्रहार जनशक्ति पक्ष को? देखिए आज जो लास्ट वोटर रहेगा, जो अगर उसकी बात को समझेगा कि अगर विकास होगा, हमारे काम होंगे, हमारे प्रॉपर्टी कार्ड बनेंगे, हमारे जो बेरोजगारी बेरोजगारी है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा। हर कोई प्रतिनिधि नहीं दे, या तो बाबा मिस्त्री नहीं दे या तो कोई प्रतिनिधि दे, महाराष्ट्र के अंदर कौन नहीं दे। अगर बेरोजगारी का मुद्दा अगर हल करेगा कोई पार्टी, अच्छा, तो ये पार्टी फिलहाल वापस सत्ता में आएंगी, वाले कांग्रेस रहेंगे या तो बीजेपी रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है पूरे इंडिया के। सारे युवक जो है पुणे मुंबई जाते हैं रोजगार के लिए, तो भी जाते ना कि बेरोजगारी ज्यादा है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी सोलापुर के अंदर है। अच्छा। क्यों है कि लोक प्रतिनिधि, जैसा कि इससे पहले जो 5 साल जो 10 साल के जो खासदार थे फिलहाल के जो सोलापुर के, तो लोग ना बोलते है कि भाई हम इसको देखे नहीं कभी 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर, जैसा कि शरद बंसोड़े, फिर उसके बाद है अपने महाराज साहब,
उनको कौन देखे नहीं 10 साल के अंदर। तो अगर चाहिए अगर किसको, अगर हम भी बोलते हैं कि हर एक वोटर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको वोट करना है तो सबसे पहले अपनी बेरोजगार जो है, बेरोजगारी पर मुद्दे पर ये करो वोट। बेरोजगारी जो मुद्दा हल करेंगे अपना, भाई साहब यहाँ पर मुद्दा जो सबसे पहला जो हल करेगा मुद्दा, तुम उसको वोट करो। बहुत सारे युवक आत्महत्या भी कर चुके हैं, युवक हमारे साथ है। क्या करते हो भाई? पेंटिंग का काम करते। पेंटिंग का काम कितना कमाते हो? महीना 20,000। 20,000 रुपए कमाते। क्या है पेंटिंग के वर्करों की, मजदूरों की क्या मांग है, क्या मुद्दे है? क्या नहीं, सबका विकास होना चाहिए। पहला तो सबका विकास होना चाहिए। ये सब झूठे आश्वासन देते हैं बापू वगैरह, क्या कर रहे हैं? झूठे आश्वासन देते। 10 साल से विधायक थे, आमदार थे, क्या नहीं? मैं तो बापू को अभी तक 10 साल से देखा नहीं, नई जिंदगी भाग में। अच्छा, और उनका विकास भी आपको मैं बता सकता हूँ। फूल के युवा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। बापू का विकास भी मैं आपको बता सकता हूँ, नई जिंदगी में कितना विकास बापू करे। अच्छा। और बापू मुझे बता दे कौन सा विकास बापू किधर करे, क्या क्या विकास होना चाहिए नई जिंदगी के इलाके अंदर। अगर बाबा मिस्त्री मान लो अगर चुन के आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। नहीं नहीं, रोड का मसला है, गटार का मसला है, पानी का मसला है, बेरोजगारी का मसला है। अच्छा, कोई भी साथ नहीं देगा, खाली आते इलेक्शन के टाइम पर बॉल डालते चले जाते। 2019 के विधानसभा चुनाव में बाबा मिस्त्री के पास कांग्रेस का हाथ था, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट था, तो अच्छा मतदान, अच्छी वोटिंग उनको मिली थी। इस बार हाथ भी नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास हाथ नहीं है। नहीं, लेकिन डैड भी है ना, बच्चू बहु कड़ू नया पक्ष है ना, नया पक्ष। नहीं नहीं, बच्चू बहु कड़ू है ना विधानसभा में। अच्छा, मेन है ना बच्चू बाबू कड़ू। नहीं, इस इलाके में नई पार्टी है ना वो। नहीं नहीं, बच्चू कड़ू बाबू का पूरा काम जानता है, जनता जानती है बच्चू कड़ू बाबू को। अच्छा, वो बाबा मिस्त्री को ले जाएंगे तो पूरा विधान। क्या कहना चाहेंगे लोक प्रतिनिधि उनसे जो वोट मांगने आते हैं आपसे, जो नेता लोग होते हैं जो वोट मांगने आते हैं उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? नहीं, इधर तो अभी जो आना ही नहीं चाहिए नेता लोग, जो जूने पार्टी के जो नेता लोग गए ना आमदार बन के, वो इधर वापिस नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई, लोकतंत्र कोई भी कहीं भी जाके प्रचार कर सकता नहीं है। करो, जनता का काम भी करो ना, जनता का काम भी करो। अभी हम तुमको निवड़ के देते, 5 साल तुम राज करते बड़े बड़े बंगले में, वैसा हमारा भी गरीबों का भी विकास करो ना। अच्छा, तुमको हम इसके लिए नहीं देते चुन के कि तुम बंगला बनाओ कार में फिरता मैं, ऐसा है थोड़ी। अरे तुमको जनता इसके लिए देती कि तुम विकास करो, जनता के काम में जाओ, जनता के रात को आधी रात को कॉल आया तो उसके हाथ जो साथ में, जैसा अभी बाबा मिस्टर अभी कॉल लगाओ बाबा मिस्टर सिविल को आते, वैसा तुम बापू को लगाओ आते क्या? नहीं, मैं बम्बई में हूँ, क्या करने वाला, मरता पेशेंट, ऐसा नहीं चलता। इस बार है ना ठीक से भाई, अभी आमदार जो है अभी ठीक से पकड़ के चलो, चक्का मारने वाले है बार। मनिया ओएल भाई, क्या करते हो? ये गैरेज चलाता हूँ। कितने साल होते हैं गैरेज? 3 साल होने हैं लगभग। 3 साल कहाँ रहते हैं आप? नहीं जिंदगी, नई जिंदगी में। क्या लगता है शहर दक्षिण विधानसभा में कौन बनने वाला है आमदार? बाबा मिस्त्री साहब। क्यों बाबा मिस्त्री? काम अच्छा है उनका। क्या काम है बताओ थोड़ा सा। रुकने सेवक का काम बहुत अच्छा है। अच्छा। नगर सेवक के लेवल भी काम करे ले, वो बहुत कुछ अच्छा काम करे ले। अच्छा, तो देखते हैं, मैं छोटे से बड़ा इधर ही हो गया अभी तक, तो काम लगभग बहुत अच्छा है उनका। अच्छा, अच्छा काम है, काम अच्छा है। दूसरे भी उम्मीदवार है, धर्मराज कराड़ी है, अमर पाटिल है, ये भी आए ना वो, ये तो पहले से है ना काम, तो अभी उन्होंने कुछ काम नहीं, नगर सेवक नहीं कुछ नहीं, वो तो बाबा मिस्त्री जो नगर सेवक है ना पहले से थे, अभी भी वो अच्छा काम कर। ये तो अभी अभी आए बोल रहे आप, सुभाष बाबू देशमुख तो 10 साल से इधर कुछ फिरका भी नहीं, देखा भी नहीं अभी तक। अच्छा, कुछ नाम के आमदार थे पहले के, चिन्ह क्या है पता है क्या? बाबा बैठे, हम तो बाबा मिस्त्री की ओर डालेंगे लगभग, हमारे घर सब घर जो भी है सब बाबा मिस्त्री को ओर डालेंगे। इंशाल्लाह आप ही जिताने की कोशिश करिए बस। क्या नाम है? यासीन शेख। यासीन भाई कहाँ रहते हैं? यहाँ शुगंगा नगर। कितने सालों से रहते हैं यहाँ पर? 18 साल हो गए। 18 साल पहले कैसा था नई जिंदगी का ये इलाका? अच्छा था, अभी बाबा मिस्त्री जब से नगर सेवक बने पूरा काम काज अच्छा बढ़ रहा, हाथों वार भाग बढ़ रहा, अभी बाबा मिस्त्री प्रयत्न से पूरा काम बढ़ रहा है। अच्छा, क्या चुनावी मुद्दों को लेकर वोट करने वाले आप? हम तो प्रहार संगठन बैठ छीनना बाबा मिस्त्री को अक्का मुझ कर हम बहुमत से लाने वाले विधानसभा में, बाबा मिस्त्री को हम बाबा मिस्त्री प्रहार संगठन का झंडा रहने वाले। हाँ सही है, लेकिन क्या मुद्दे रहने वाले चुनावी के? प्रॉपर्टी कार्ड का भी मुद्दा अहम बना हुआ है। हाँ, जो बाबा चाचा बोले है वो उन्हों काम करेंगे, प्रॉपर्टी कार्ड बना के देंगे, या जो जो मसले मसाइल है सब के मसले मसाइल हल करेंगे, गरीबों का साथ देंगे बाबा मिस्त्री, तो हमारे को उनके ऊपर भरोसा है। और क्या चुनावी मुद्दे हैं?
अभी देखेंगे क्या क्या होता है क्या नहीं, क्या विकास चुनावी मुद्दे क्या है मैं पूछ रहा हूँ आपको। हमारा देखो यहाँ बेरोजगारी, यंग जनरेशन को बेरोजगारी है। अच्छा, तो बाबा चाचा ने हमको बोला है पूरे बेरोजगार जितने यंग जवान है उनको काम धंधा लगाएंगे। अच्छा, तो प्रॉपर्टी कार्ड बनाएंगे ऐसे वो कुछ वादे करे सो है, परसों सभा में भी बोली ले है उन्होंने। अच्छा, तो इंशाल्लाह वो करेंगे, हमारे को उनके पर भरोसा है और उनके सिवा यहाँ पूरा पूरा मतदान उनको करने वाले इंशाल्लाह विधानसभा में प्रहार का झंडा रहने वाले हैं बाबा मिस्त्री के साथ रहने वाले इस बार शहर दक्षिण विधानसभा। और खास करके अगर बात की जाए तो आपकी नई जिंदगी के इलाके के, नई जिंदगी इलाके में अब तक ना कोई बड़ा स्कूल बना है ना कॉलेज बना है, सबसे बड़ा मुद्दा है प्रॉपर्टी कार्ड का मुद्दा है। हम अभी तक इतने साल से 40 साल से यहाँ पे बस्ती है, हमें तक नोटरी पर ही घर है, हमारे खुद के घर अभी तक हुए नहीं, अगर उन्होंने आएंगे तो हो जाएंगे हमारा घर, प्रॉपर्टी कार्ड बन जाएगा। कौन आएंगे तो कौन बाबा मिस्त्री आएंगे तो हो जाएंगे हमारा प्रॉपर्टी कार्ड का मुद्दा हो जाएगा। उन्होंने अंदर नहीं रहते हुए भी उन्होंने अब तक बहुत लड़े लिया हमारे वास्ते, प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर बहुत आवाज उठा लिया उन्होंने, तो इस बार उन्होंने अगर अंदर बन जाएंगे तो हो जाएगा इस बार उनकी तरफ से प्रॉपर्टी कार्ड का मुद्दा क्लियर हो जाएगा। और हमारे इधर दक्षिण में भी अच्छा एक हॉस्पिटल भी नहीं है बड़ा, वो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बड़ा कॉलेज है वो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और भी दूसरे उम्मीदवार है यहाँ पर, धर्मराज काला जी है तुम्हारा, सुभाष बापू देशमुख है, संतोष पवार है, फिर जो है महादेव साहब भी है, सचिन बोल के वो भी रुके हैं, वैद्य साहब भी है, सब पैसे वाले लोग। अब तक उनका क्या काम दिखा नहीं, मेंबर साहब का काम कैसा, उन्होंने नगर से रहते भी इतना काम करे ले, सबसे बड़ा काम कोरोना काल में करे ले काम है उनका। अच्छा, और जो है पिछले साल के चालू आमदार, अब तक हम उनको इलेक्शन के बाद से अभी तक क्या देखे नहीं हम उनको। अच्छा, तो आगे देखने क्या उम्मीद करेंगे हम उनसे। हाँ, यह ऐसा है। क्या करते कारोबार आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम करते, कितने सालों से काम करते कंस्ट्रक्शन का? मैं 10 साल से काम। कितना कमाते हो? रोज 800,000 रुपए। क्या करना चाहिए सरकार आपके लोगों के लिए? विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, हर कोई वोट मांगने के लिए आ रहा है आपके पास। वोट तो मांगने आते हैं लेकिन मांगने के बाद जीतने के बाद आते ही नहीं क्या? अच्छा, उधर ही चले जाते हैं। अच्छा, जब इलेक्शन आता है तभी इनको गरीबों की। अभी वोट देने से पहले बोलो कि क्या मुद्दे, ऐसा रहा तो मैं वोट देने वाला हूँ आपको, नहीं तो वोट नहीं देने वाला हूँ। क्या मांग आपकी? रोजगार दे गरीबों को और महंगाई कम करे, ये मुद्दे अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दवा खाने की फैसिलिटी जो भी है वो गौर गरीब के लिए करेंगे। आज दवा खाना कितना महंगा हो गया है गौर गरीब के लिए, क्या दवा खानों की फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट दवा खानों में सरकारी दवा खानों में देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन इन मुद्दों पर ये जो भी जीत कर आता है कोई काम करता नहीं। इस बार अभी शहर दक्षिण विधानसभा में किसकी लहर चल रही है? बाबा मिस्त्री की चल रही है, इंशाल्लाह बैर से सबको धोएंगे 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 इंशाल्लाह। रन रहेंगे थोड़े थोड़े से एक दो या फिर सीधा सिक्स बाउंड्री, सीधा सिक्स और बाउंड्री मारेंगे। आउट हो गए तो क्या करने का? इंशाल्लाह नहीं होंगे, आउट नहीं होंगे, उनकी मेहनत बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज खरादी है। नवाज खराजी साहब कहाँ रहते? खराजी साहब यहाँ दक्षिण में रहते हैं, शांति नगर। कितने सालों से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम 25 साल हुआ। 25 सालों से रहते? क्या काम करते हो? हमारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कितना कमाते हो महीने में? महीने में 30,000 कमाते हैं। क्या नई जिंदगी इलाके के अंदर किसकी लहर है या फिर शहर दक्षिण में किसकी लहर है? शहर दक्षिण में जो इंशाल्लाह है ना बाबा मिस्त्री, इंशाल्लाह ये बारी आएंगे निवाड़ को, और उनका बाबा मिस्त्री का काम भी बहुत अच्छा है, और उनको हिंदू लोग भी है, मुसलमान भी, दलित सब सब लोग चाहते हैं। बाबा को टिकट नहीं मिला उतना इफेक्ट नहीं होगा इस बार बोलकर ऐसी चर्चा हो रही है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह, बाबा मिस्त्री के जो काम से जो है उनको टिकट मिला है। 2019 में और इस बार में क्या फर्क रहने वाला है? अभी बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह, अभी बहुत फर्क पड़ेगा। तब पार्टी थे तब तो 60,000 के करीब पहुंचे थे, अब पार्टी पक्ष उनके साथ नहीं है? नहीं अभी ज्यादा है ना, अभी ज्यादा पड़ेगा कांग्रेस उनके साथ। अभी भाषण में कहा कि मेरे पास हाथ नहीं है। हाथ नहीं तो क्या हुआ, बैठ तो है ना, बैट से इंशाल्लाह बैट से धोएंगे ना। नया पक्ष है ना बैट, तो नया पक्ष को चांस दो ना। हाथ को तो हर बार चांस दे रहे हो, दिखते नहीं यहाँ कभी, तो इसके लिए इंशाल्लाह ये बारी विकास हुआ है कि नहीं? बाबा मिस्त्री ने विकास किया है। देखो नगर क्षेत्र जो थे ना बाबा मिस्त्री, इंशाल्लाह पूरे रोड़ा वगैरह जो ड्रेनेज का काम, गटर का काम पूरा काम हो गया, पूरा हो गया काम इंशाल्लाह। तो ये बारी भी अगर इसको आमदार भी इलेक्शन जीतेंगे तो काम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएंगे। कितनी वर्षापासून करतो झाले 27 वर्ष झालो तुम्ही करतोय? ये ठिकाण काय तर बसतोय का? 27-28 वर्षापूर्वी कसं होतं हा भाग नई जिंदगी? त्या टायमाला एवढा भाग कमी होता, आता ज्यादा झाला। म्हणजे
ड्रेने रास्ते आता पहिले नव्हते विकास झालेला का भागासाठी झालं किती आता काय वाटतं शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र मध्ये कोण होणार आमदार बाबा तगडे कॅन्डिडेट आहेत धर्मराज काळाजी आहे सुभाष बापू देशमुख आहे अमर पाटील आहेत असू द्या पण कार्य चांगलं असतं काय माणसं आहे हा इथं तर विकासाला चांगला आहे सगळ्या 2019 विधानसभामध्ये काँग्रेस पक्ष त्यांचा सोबत होता आणि काँग्रेसचा हात पण सोबत होता आता काँग्रेस पक्ष पण नाही असू द्या माणूस विकास करणारा असला म्हणजे बघा काँग्रेस काय विप्रहार काय एकच आहे म्हणा काम आपल्याला पक्ष तुम्ही बघत नाही माणूस माणूस बघून काम कर का करणारा माणसाला घ्यायचं नाही तर काय फायदा तुला पक्ष सुभाष बापूंनी कधी आले काय तर बापू आपल्याकडे कधी दिसले नाही तर कधी आले का कुठे कधी दिसलेच नाही दिसलेच नाही तुम्हाला काय विचारले नाही काय समजतंय 10 वर्ष आमदार होते ते काय आपल्याला माहिती आलेच नाही काय बघितलंच नाही तर कशाला आपलं काय असलं तर हितच असत ना म्हणजे काँग्रेस पार्टीने जे तिकीट दिलेलं नाही बाबाला त्याचा इफेक्ट होणार का हो द्यायला पाहिजे होत तिकीट कार्य चांगलं आहे नाही 19 जे 58,000 त्यांनी मत घेतली होती या विधानसभा मध्ये कसं होणार काय गणित मत आता सुद्धा भरपूर पडतील त्याला पक्ष सोबत नाही की हा सोबत माणसाला बघून टाकतात कार्य चांगलं आहे कार्य चांगलं आहे धडपडी माणूस आहे राज्यात कुणाची सत्ता यायला पाहिजे आता आपण तसं काय सांगणार आपल्याला एवढं काय बीजेपी आणि काँग्रेस आपल्याला एवढं ज्ञान आहे का त्यातलं बीजेपी काँग्रेस काय आपण म्हणत आपल्याला जे कळतं तिथं सध्या जे कारभार आहे ते माहिती आहे आपल्याला तिकडलं काय बरं करते चलाते कितने सालों से रिक्षा का चलाते आप 40 साल से 40 साल से रिक्शा चलाते रास्ते वगैरह ठीक है क्या सोलापुर के सोलापुर के रास्ते वो आमदार खासदार आते नहीं ना 5 साल में उन्हें अभी तक आया नहीं ना भाजपा का क्या करे कुछ भी नहीं करा रास्ते ठीक है क्या कौन कौन से एरिया में रास्ते ये चलाते आप गाड़ी इधर अंतोड़े करने का इधर उधर चलाते अच्छे है क्या रास्ते रास्ते क्या है ये गली मोड़ा में रास्ते नहीं अच्छे होते खाली उधर का अरे रस्ते जरा अच्छे रहते अच्छा क्या है शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में किसकी लहर है ये हमारे इधर के बाबा मिस्त्री का बाबा मिस्त्री क्यों बाबा मिस्त्री का क्या था हमारा बहुत आज रात को आता ना बाबा मिस्त्री क्या कौन आता नहीं उधर का इधर का नहीं आता बड़े उम्मीदवार उनके सामने धर्मराज काड़ा जी अमर बापू अमर मेरे देव अब ये अरे सुभाष देशमुख 10 साल के अंदर कैबिनेट दाल भी क्या भी करा नहीं एक दिन आपको देखा नहीं था आपको अच्छा अब क्या होने वाला है शहर दक्षिण विधानसभा में इंशाल्लाह ऊपर वाले के हाथ में आ जाएंगे हमारे सीट देवरली सीट आएगा 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 ओके क्या है भाई क्या नाम है आपका सोहेल कहा रहे थे सोहेल भाई नई जिंदगी क्या काम करते आप गाड़ी चलाता फोर व्हीलर कितना कमाते हो महीना में 15,000 यही पे लोकल चलाते हो या फिर बाहर जाते हो बाहर जाता हूँ क्या लगता है नई जिंदगी आपके इलाके में जहाँ पर आप रहते हो विकास हुआ है रस्ते हो ड्रेनेज हो पानी हो कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ हमारे तो दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ अंबेडकर पूरा रोड पूरा अभी तक खराब है फिर अभी आपके उम्मीदवार रुके हैं बाबा मिस्त्री इलेक्शन में उनके स्तर है ना अभी तक अब इलेक्शन जीतने के बाद वो काम करते सर उम्मीद है कि इलेक्शन जीतने के बाद काम होने वाले होने वाला क्या क्या प्रॉब्लम आपके एरिया में ये रोड का ही रोड का ड्रेनेज लाइन वगैरह के काम हुए ड्रेनेज सब हुए क्या चिन्ह है बाबा का पता है ना बैक बैक और बाकी आपका सब ठीक चल रहा है क्या ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सब है इमरान कहाँ रहते हैं इमरान भाई नई जिंदगी में कितने सालों से नई जिंदगी के इलाके में कम से कम 20-22 साल हो गया क्या लगता है शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में किसकी लहर चल रही है इंशाल्लाह मेरे साथ लोग बाबा मिस्त्री चुन कर आएंगे इधर चुन के आएंगे इंशाल्लाह पक्ष नहीं है हाथ नहीं है बाबा के पास काम बहुत है उनके पास पक्ष नहीं है हाथ नहीं है कुछ नहीं लेकिन काम बहुत है उनके पास काम के बेसिक पर इंशाल्लाह वो जीत कर आएंगे जीत के आएंगे या फिर जो 19 के विधानसभा चुनाव में उनको भर भर कर वोट दिए थे जनता ने
उससे कम होगा या फिर क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट था तब नेता पार्टी के उनके साथ थे, लेकिन अब जो पार्टी है वो शायद दक्षिण विधानसभा में वो नई पार्टी है और उतना रिस्पांस मिलता हुआ बाबा को नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से काम के बेसिक पर उनको वोट मिलेंगे इंशाल्लाह। पिछले बार तो 58,000 वोट पड़े थे, तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से 5,000 की लीड और ज्यादा मिलेगी। अच्छा। काम के बेसिक पर। अच्छा। हाँ, इसमें पक्ष का वगैरह कोई नहीं है, काम के बुनियाद पर वोट डालेंगे इंशाल्लाह लोग। क्या काम किए बाबा ने अब तक? बहुत काम किए हमारे नजर में। पहले तो सब लोग को पता है ना, हाँ, रुग्ण सेवक के नाम से उनको जाना जाता है। हाँ, फिर किसी के कोई भी काम रहा तो उसमें हेल्प करते हैं लोगों के लिए, उनके तरफ जो भी कोई बनता वो करते है। मेरे हिसाब से विकास हुआ क्या नई जिंदगी इलाके का? हाँ, विकास तो हुआ, अभी तो फिलहाल अभी नगर से होगा, इंशाल्लाह कभी आमदार बनेंगे तो और इससे ज्यादा विकास होगा मेरे हिसाब से। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पे? मेरे को 22-23 साल हो गए। 22 साल पहले कैसा था नई जिंदगी का? 22 साल पहले तो कोई नहीं था, इधर बोले तो रोड की वगैरह इसकी उसकी प्रॉब्लम थी, अभी इंशाल्लाह वैसा कुछ नहीं है। अभी जैसा जैसा काम हो रहा तो वैसा वैसा ये हो रहा फ्यूचर में। आप बाबा बोल रहे क्या चिन्ह मिला है पता है क्या? हाँ, बैट बैट फुल बैटिंग फील्डिंग होने वाली है। पूरी फुल 4-6 के सिवा बात नहीं होगी इंशाल्लाह। आउट हो गए तो नहीं होते आउट? अरे सचिन तेंदुलकर आउट हो जाता है? आउट हुएंगे लेकिन सेंचुरी मारने के बाद हुएंगे। सेंचुरी मारने के बाद हुएंगे? हाँ, सेंचुरी जीत के बाद। सेंचुरी के बाद आउट हुएंगे लेकिन सेंचुरी हुएंगे।